तो क्लास इलेवंथ के हमारे जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने जाएंगे, एनुअल एग्जाम, जाने से पहले आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि मैंने जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उन सबको इकट्ठा करके, जो खास खास चीज़ें हैं क्रीम क्रीम, उन सबको इकट्ठा करके आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ। चलिए तो देर किस बात की, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। ध्रुव, ध्रुवों पर जी का मान होता है अधिक होता है। गैस समीकरण पी वी बराबरी पे आर टी में वी है एक मोल गैस का आयतन। जड़त्व का जो गुण होता है वो क्या है, इनमें से कोई नहीं। वाट किसका मात्रा है, शक्ति का। गुरुत्वीय नेतांक जी का विमीय सूत्र है, ठीक है। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है आवर्त काल। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। बिलियर्ड के बॉल की गति द्विविमीय गति होती है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो शून्य होता है। जी एक राशि है तो अदिश राशि है। घर्षण बल के सतहों पर के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। कार्य एक क्या है, अदिश राशि है। तरंग की चाल आवृत्ति इंटू तरंग एरिया। कोणीय त्वरण रेडियन इंटू सेकेंड स्क्वायर। अविरता का सिद्धांत है तो ये हो जाएगा घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या और छठा है गुरुत्वीय त्वरण का जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। चलिए तो यहां से मैंने पूरा एक वाक्य में उत्तर भर लिए हैं, अब थोड़ा समझ लेते हैं कि त्वरण क्या है। तो त्वरण है वेग परिवर्तन की दर को ही कहते हैं त्वरण। इसका मात्रक जो होता है ना वो होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। हुक के नियम की सीमा, ये जो हुक का नियम है ना वो केवल और केवल, ठीक है, ठोस पदार्थों के लिए ही लागू होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक, प्रतिबल का जो एसआई मात्रक होता है ना वो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। और एक चीज और रह गई, प्रतिबल तथा दाब में अंतर, ठीक है। दाब में और प्रतिबल में अंतर ये कि प्रतिबल जो रहता है ना वो पूरे पृष्ठ पर एक समान नहीं होता, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन दाब जो है वो एक समान होता है, ठीक है। एक अंतर को इसे भी लिख देना है। ऊष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते हैं, बिल्कुल राइट बात है। दूसरा जो है वो भी आपका सत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा और पांचवा आपका सत्य रहने वाला है। यहां से देखिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना, जो चीजें बता रहा हूं ना आप तो कंप्लीट करो। परीक्षा हाल में आपको बिल्कुल यही पेपर क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे ना। पेपर का फॉन्ट भले ही चाहे अलग होगा लेकिन प्रश्न यही देखने को मिलेंगे। ये सेट बी है और ये सेट सी है, सेट डी भी उपलब्ध कराऊंगा। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में दो अंतर बताइए। विमीय संगमता का सिद्धांत लिखना है, विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं। एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है, यहां से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर 12